तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में पूरा सेटिंग यहाँ पे बताऊंगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सेटिंग है जो कि हर एंड्रॉयड यूज़र्स को जानना चाहिए, ये बहुत ही आम सेटिंग है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो आपको क्या सेटिंग आपको कैसे करना है तो इस वीडियो पे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस करके एक ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाता है ब्राइटनेस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, पावर हाई पावर कंज्यूम होगा और यहाँ पर आप ब्राइटनेस को कमा भी सकते हो। तो यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस है, तो इसको आप ऑन कर लोगे तो ये आपका पूरा 50% जो है ब्राइटनेस पे सेट हो जाएगा, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो देन आपका जो सेकंड पे यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाता है आई प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आई प्रोटेक्शन मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो देन आपको यहाँ पे उसके नीचे एक डार्क थीम करके ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, तो आप इसको इनेबल करोगे तो आपके मोबाइल पे यहाँ पे डार्क थीम जो है वो ऑन हो जाएगा। देन आप इसको बंद करोगे तो डार्क थीम जो इनेबल हुआ था वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उसके नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट करके एक ऑप्शन दिखता है, तो ये क्या है स्क्रीन टाइम आउट, अगर आप 15 सेकेंड पर क्लिक करोगे सेट करोगे तो आपका जो मोबाइल का लाइट है तो वो 15 सेकेंड में ऑटोमेटिक ही यहाँ पे बंद हो जाएगा और मोबाइल का स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 1 मिनट सेट करते हो तो 1 मिनट के बाद ही आपका मोबाइल जो है लॉक होगा। तो यहाँ पे अगर 30 सेकेंड सेट करते हो तो 30 सेकेंड के बाद ही ये जो स्क्रीन का लाइट है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो मेरा 1 मिनट था, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो देन आप यहाँ पे ऑटो रोटेट स्क्रीन है, तो यहाँ पे अगर इसको आप इनेबल करोगे तो आप कुछ करते होगे तो आप अगर मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे घुमा दोगे तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। जैसे इंसान फोटो देखते समय कि वीडियो देखते समय मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड मोबाइल को रोटेट कर लेता है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन रखोगे तो आप फोटो देखते समय भी अगर आप मोबाइल को रोटेट करोगे तो आपका मोबाइल यहाँ पे आसानी से रोटेट हो जाएगा। देन आता है स्क्रीन कलर, तो यहाँ पे आप स्क्रीन कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, स्टैंडर्ड, यहाँ पे प्रो और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन यहाँ पे कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट भी है, तो यहाँ पे अगर फुल करोगे तो एक आई प्रोटेक्ट मोड पे ये जैसे कि होता है वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा नॉर्मली ठीक है। देन उसके नीचे आपको मिल जाएगा फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, तो इस पर आप क्लिक करके तो सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट साइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप जितना चाहोगे अपने हिसाब से फॉन्ट का जो साइज है रख सकते हो। देन आप यहाँ पे डिस्प्ले साइज भी है, तो इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, तो ये वाला मेरे लिए सही है। देन आप अगर चाहोगे तो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो और यहाँ पे नीचे हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही डार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बैक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट स्टाइल पे। तो फॉन्ट स्टाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, तो आप यहाँ पे फॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। तो ये आप जितने भी यहाँ पे जो फॉन्ट है यहाँ पे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे डाउनलोड मोड पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्टेटस बार। स्टेटस बार पे आप क्या कर सकते हो, स्टेटस बार पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन और यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हो, या नोटिफिकेशन का पूरा हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन आइकन सेट किया हूँ। देन आप क्या कर सकते हो, ना यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज जो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है अभी 56, अब अगर इसको आप ऑफ करोगे तो यहाँ पे वो दिखाना बंद कर देगा। देन अगर आप ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे वो दिखाएगा। देन डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो यहाँ पे आप अगर इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका नेट कितना स्पीड पे चल रहा है वो दिखाएगा, अगर आप बंद कर दोगे तो यहाँ पे बस आपका वोल्टी या एलटी जो है वही दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑन रखता हूँ। तो अब चलते हैं स्क्रीन सेवर की तरफ। तो स्क्रीन सेवर पे यहाँ पे देख सकते हो एक कस्टमाइज है, दूसरा फोटो है। तो यहाँ पे अगर फोटो पे क्लिक करते हैं तो फोटो पे सेट कुछ नहीं है, कस्टमाइज भी क्या है ना क्लॉक है। तो क्लॉक क्या है,
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लॉक पे अगर हम सेट करते हैं, जैसे ही हम मोबाइल को लॉक कर देते हैं ना पावर बटन टिप के, तो वैसे ही हम लोग के मोबाइल पे एक टाइम एक आ जाता है। तो कैसे आता है, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन सेवर अगर आप क्लॉक वाला सेट करते हैं तो यहाँ पे क्लॉक वाला हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना फोटो या गैलरी पे कुछ भी फोटो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जो कि मैं लगाया नहीं हूँ। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट की तरफ। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो गेमिंग करते हैं, स्पेशली जैसे कि BGMI खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, उनके लिए ये जो 60Hz है, 90Hz है और 120Hz है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जितना Hz ज़्यादा होगा उनके लिए मूवमेंट उतना फास्ट होगा। तो ये स्पेशली गेमर के लिए, अगर आप एक गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो, BGMI खेलते हो, तो आपके लिए ये ऑप्शन जितना ज़्यादा है उतने पे हाई पे आप रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरा जो डिस्प्ले का सेटिंग है एंड्रॉयड मोबाइल का यहाँ पे बता दिया हूँ, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। तो आप ये कोई ये सेटिंग आप कोई सा भी फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन पे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।